ये रही आ चुकी है मेरी प्यारी प्यारी बहन, एकदम क्यूट क्यूट सा लग रहा है मेरी बहन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुआ मक्का, चेक इट आउट गाइस। ये ले रहे हैं हम लाइफ में पहली बार रूट पे ऐसे चेंज कर दिए। यो शिट, ये सिक्स माइल का सीन है, ये चेक कीजिए। तो गाइस खत्म हो चुका है मेरे रूम पे। हाँ तो देहात की भैया, तो मैंने कुछ नहीं पहना, तो अभी मेरे को फिलहाल नहीं दिखाऊंगा क्या क्या सीन है, आज दिखाते हैं इसको। हेलो गाइस, मैं हूं आपका शैलो लमर, आप लोग देख रहे हैं शैलो लमर ब्लॉग। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बॉर बेटा, एक फ्रेंड की शादी है तो वही शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जिससे खादिमुल, तो हम दोनों जा रहे हैं भाई से, और कुछ फ्रेंड है वो लोग भी जाएंगे, तो उन लोगों से पहले मिलेंगे और मिलने के बाद चलते हैं। तो आज का दिन में शुरू करते हैं, बहुत ही तबाही धासुदार ब्लॉग होगा, तो ब्लॉग पर बने रहना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, तो चलते हैं। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं विभिन्न चित्रों, तो अभी चलते हैं और चाय वाय पियेंगे। चाय वाय पीने के बाद हम लोग चलेंगे जो मेरी बहन है महक, तो उसके हॉस्टल के उधर चलेंगे, उधर ही सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो उधर से चलेंगे हम लोग बॉरपेटा। तो चलिए चलते हैं, और आज का ब्लॉग एकदम तबाही सीन होने वाला है, मौसम भी एकदम अच्छा हुआ है, तो फिलहाल विपणन क्षेत्र में थोड़ा खाली है, तो चाय पीने के बाद मिलते हैं। गाइस मेरा ऑल टाइम फेवरेट पार्टी चिपटा और चाय, और इसने रोटी दे दिया। क्या मूंग ना दे, ना मूंग ना दे। तो गाइस हमने चाय वाय पी लिया है, अभी फिलहाल मोनिटोज इधर ही है, तो उधर के जाएंगे, और जो बैग है वो उसको देंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ये है खादिमुल, तो उधर चलते हैं, चलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है इस चश्मे के पीछे जरूर बताइए। तुम्हें चाहकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना मा। तो ये है मुनरोल, ये है नासिम, इधर खड़े हुए हैं। और एक आ गया, अभी अभी भी रेडी हो रहा है, अभी अभी तक रेडी हो रहा है। 8 बजे से इधर बैठा है, 8 बजे से बोलो सुबह की सही। तो ये रहा हमारा गाड़ी निकल चुका है, अभी मुनरोल पे। तो अभी हम चलेंगे महक के उधर, तो महक को बिठाएंगे, बिठाने के बाद हम चलेंगे। तो देखते रहिए ब्लॉग, बहुत ही मजेदार होने वाला है, और आप लोग ये सिनेमेटिक चेक कीजिए, एकदम तबाही सीन हो रहा है आज का मौसम। अब तो आ रहे आस पास आ रही बरात, करना इंकार। फिर से लग चुका है ट्रैफिक का टाइम, अभी 50 सेकंड का ट्रैफिक लग चुका है एकदम। गुवाहाटी में बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है बस। Oh my God! Wow! जाम का बहुत बड़ा दिक्कत है, और गर्मी भाई, कांड इमेजिन कि हमारा हालत कैसा हो चुका है। हम फिलहाल ऐसे तवे में बैठे हैं, बहुत गर्मी है, अभी 26 सेकंड बाकी है, ट्रैफिक खुल चुका है। A few moments later. मेरे हॉस्टल के सामने, ये रहा मेरे का हॉस्टल, ये रही आ चुकी है मेरी प्यारी प्यारी बहन, एकदम क्यूट क्यूट सा लग रहा है मेरी बहन, एकदम क्यूट क्यूट सा, एकदम मजा। तो मनोहर आ रहे हैं फिलहाल, हमारा मुया मैं और खादिमुल आ चुके हैं पहले ही, क्योंकि हमको टेढ़ी फिकर थी इसलिए आ गए दोनों। आयशा ने इतना मेकअप किया है ना, इतना मेकअप किया है ना, जरा देखना एक बार। हमारा आगे देख लो।
5 minutes later. करते हैं कि जो गिफ्ट लेना है उन लोगों के लिए शादी के लिए, तो वो क्या लेंगे वो डिसाइड करना है और कहाँ से लेंगे वो डिसाइड करना है, तो आने देते हैं उन लोगों को। तो सामने आए ना तो क्या देखी जेडी ना ये झालू बड़े आगे बड़ी है One hour later. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुआ मक्का जो हाजो में है भाई, आज देखेंगे तो नहीं देखा तो आपको दिखाते हैं। तो घर बेटा जाते टाइम जितने भी ये चेक कीजिए जामा मस्जिद, तो जाते घर बेटा जाते टाइम जितने भी ऐसे सीन होंगे सब दिखाएंगे, तो ब्लॉग पर बने रहना। आपको इधर से दिखाते हैं इधर का व्यू कैसा है, क्या ही बोलूं, I can't explain the view। मोबाइल में शायद वो कैप्चर हुआ या नहीं हुआ पर आपको पूरा दिखाऊंगा, चेक इट आउट। तो आपको पहले ऊपर चलते हैं मक्का शरीफ दरगाह इधर चलते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। हजों में ये है वो मक्का शरीफ दरगाह, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस मेरा ये पहले टाइम विजिट है, नीचे तक आ चुका था पर ऊपर नहीं उठा, इधर ये है मुझे नहीं पता, आज ये पता चला तो आपको भी देखने का मौका मिलेगा, जस्ट चेक इट आउट। हम फिलहाल बहुत ही ऊपर हैं, बहुत ही ऊपर है हम, तगड़ा सीन का एकदम तगड़ा सीन। आपको दिखाते हैं ऊपर, ऊपर से व्यू भी दिखाएंगे आप लोग बन रहे। तो मैंने कॉफी नहीं लाया, तो मुझे उनको जाना है वीडियो खबरना था मुझे। ये है तो गाइस ये एक पत्थर है जो लोगों के मुताबिक ये धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसा सीन है, मतलब कुदरत ऐसा कुछ बोलते हैं इधर। क्या ही क्रेजी सीन है गाइस, ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा दिख रहा हूँ। हजरत कालू देवानर मोदी
जो ये है I can't explain मैं क्या देख रहा हूँ लाइक ऐसा दिख रहा है आपको दिखाते हैं कुछ फोटो वोटो खींचेंगे वो मैं डाल दूंगा आप लोग देख लीजिएगा तो वीडियो होगा थोड़ा लॉन्ग जाते जाते हम घूम के जाएंगे जो जो सीन है सबको दिखाएंगे सब दिखाएंगे बहुत लोग हैं जो अभी तक नहीं आए जो मैं भी इस टाइम फर्स्ट टाइम आया हूँ बहुत लोग नहीं आए होंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पर है आजो में किमान के एटू एटू ये दोनों है एक छोटा वाला एक बड़ा वाला जो ऊपर है और छोटा वाला इसका है तो दोनों हम ले रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीं है जो ले सकते हैं तो एटीएम लगे तो मैं पेमेंट कर देता हूँ भैया डाटा पहले तो हलना है डाटा पैदा होना नो टेंशन तो आपको मैं क्या दिखाना चाहता था कांड इमेजिन गाइस कांड इमेजिन चेक मारो ये चेक कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्लैनेट कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्लैनेट ठीक है चेक इट आउट और ये चेक कीजिए ये ऊपर का साइड है जो पहाड़ के ऊपर है तो हम और उससे भी ऊपर जाकर आ चुके हैं चेक मारे गाइस चेक इट आउट छोटे छोटे घर तो गाइस चेक मारिए ये चेक चेक इट आउट चेक इट आउट Minutes later. 2 hours later. तो गाइस हमारा हालत कुछ हो चुका है ऐसा खस्ता प्यारों का हालत और भी खस्ता हो चुका है क्या ही बोले और ये लोग खा रहे पुचका क्या ही अजीब गरीब लोग है भाई खाली पेट में पुचका ये चेक कीजिए वेलकम टू बोरपेटा ये है मिलेनियम पार्क जी जो जो बड़पेटा में सभी को पता है ये क्या है अंदर घुसने से सर्टिफिकेट नहीं लगता है होप फ्री ऑफ कॉस्ट है ओह माय गॉड वाओ तो इधर से 2 किलोमीटर है हमारा वो फ्रेंड का घर पार्क चेक कीजिए बहुत खस्ता हो चुका है अभी डायरेक्ट मिलते हैं उसके घर में तो चलिए बहन के साथ चल रहे हैं उसके लोकेशन भी अभी जाएंगे कुछ गिफ्ट विफ्ट लेंगे तो क्या लेने का इरादा है हाँ वॉल क्लॉक है शायद वॉल क्लॉक लेंगे ये नहीं अच्छा लग रहा है स्किन डल हो जाती है ना मेरी हमारा हमारा हालत देखो कुछ क्या है एकदम फटी चढ़ जैसे सही पकड़े हैं बाजार इंडिया बाजार इंडिया का लाइन लगा लेकर दुनिया की जे ही गिफ्ट खाली वॉल घोड़ी ना गिफ्ट जा देखी तो अभी हम लोग खा रहे हैं कुल्फी तो हम लोग इधर शादी पे नहीं आए हैं हम लोग इधर पिकनिक करने आए हैं बोरपेटा में ये चेक कीजिए और क्या क्या खाना है और कुछ ठंडा वंडा रसगुल्ला हम आ चुके हैं ज्वेलरी शॉप में तो देना है तो कुछ तगड़ा ही देना पड़ेगा ना इसलिए हम लोग दे रहे हैं नाक का फूल तो दिखाते हैं आपको गाइस ये ले रहे हैं हम प्योर गोल्ड है कोई
জুম করতে তো বড় দেখা যায় দেখান দেখি শোনা নাকি পুরা শোনা তো গাইস अभी हम रस्ते पे रोड पे है तो शादी के घर में माहौल कैसा होगा कहाँ चेंज करेंगे इसी के डर से हम रोड पे ही चेंज कर रहे हैं मतलब रस्ते पे एक खाली जगह है इधर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे आ रही है बहुत शर्म पर चेंज तो करना पड़ेगा तो करते हैं ये साहिल अपने अंडरपैंट में जीना सिखाया मजबूर जैसा लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई फाइनली हम लाइफ में पहली बार रोड पे ऐसे चेंज कर दिए पैन पर अलग ही एक्सपीरियंस आया अभी शर्ट चेंज करते ये अंदर तो कुछ भी नहीं है खत्म भी हो चुका है रेडी पूरा शूज पहन के और मैं भी ये पूरा चेंज कर लिया पूरा हो चुका है रेडी अभी चलेंगे वेट कर रहे हैं तो उनके उधर चलेंगे उसके बाद एक साथ अंदर जाएंगे तो देखते रहिए ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है और भी उधर जाएंगे क्या क्या होने वाला रोड पर भाई रोड पर कब कैसे निकले रोड पर ऐसा दिन आ गया है अभी इसका होने के बाद चलते हैं अस्सलाम वालेकुम भल्ला बोरिया भाई जीवन जरा भल काम कर छी दादा भाई हकलो प्रथम खाला कोसम ना एकदम गाड़ी खोल तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी ये सब गाड़ी में रखेंगे उसके बाद चलेंगे ये है एक राहुल सुपरवाइजर है जिसे मैं भी से कार लो यही कार ये रहा वेडिंग का साइट ये चेक कीजिए ये तुम्हारा भाभी है भाई बैठ चुका है सभी तीनों A few moments later मेक तू है सही या मैं हूँ सही किस पे इल्जाम है चले गए थे हम अभी देखो पानी ही पानी हो चुका है इसलिए टोटो भी नहीं आ रहा है इसलिए हम पैदल चल के आ रहे हैं तो बहुत ही घटिया सीन है एकदम बहुत ही घटिया सीन ये चेक कीजिए इसलिए टोटो नहीं आ रहा था 20 रुपीस मांग रहा था इसलिए हम पैदल चले आए मतलब टोटो फुल होगा उसके बाद ही आएगा बहुत देर उधर रुका है पर फिर भी नहीं आए तो कोई नहीं अभी चलते हैं चेक मारिए कुछ ऐसा हाल है फिलहाल ये चेक कीजिए शायद डैम का पानी छोड़ चुके हैं लोग चेक इट आउट ये क्या देखने को मिल रहा है पे जब हम दोपहर को जा रहे थे तभी इधर पानी नहीं था एकदम खाली था अचानक से इतना भीड़ हो गया और इतना पानी हो चुका है यो शिट ये सिग्नल का सीन है ये चेक कीजिए उधर से खाना बना जाता है ये सिग्नल है क्या ही क्या है ये गाइस क्या है ये मस्जिद एक मस्जिद के सामने वाला रोड क्या ही है ये सब चूतियापा है शो शिट हमारा रोड है ये रोड चेक कीजिए डूब चुका है गुवाहाटी पूरी तरह चल रहा है क्या ही कांड एकदम भयानक कांड चल रहा है इतना पानी किधर से आया लगता है खली ने मुंह दिया है गुवाहाटी पे फिलहाल मेरा हालत है कुछ ऐसा और गुवाहाटी का हालत है कुछ ऐसा क्या हो रहा है कल ही मैंने वीडियो किया था इधर कल ही जो खिचड़ी बनाने का ब्लॉग बनाया था तो इधर ही बनाया था गाइस एकदम ही पानी नहीं था एकदम ही अचानक से ये क्या हुई पानी चेक कीजिए इधर तक पानी आ गया है पानी भर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए